हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि राइट्स जूनियर फिनेंस मैनेजर का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। तो पेपर, ऑफिशियल पेपर एक एस्पिरेंट है जिन्होंने शेयर किया है, तो सबसे पहले तो उनको थैंक यू। और पेपर देख लेते हैं कि पेपर में किस सेक्शन से कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि अगर आपका एग्ज़ाम आगे भी होता है कभी तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो पूरे पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे और कुछ कुछ सेक्शन जो है वो मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा, और आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, या फिर पूरी वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम आगे है या कभी भी इसकी वैकेंसी वगैरह निकल रही है, जिससे कि आपको एक हेल्प मिल सके, आपको एक आइडिया मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, करंट अफेयर के सेक्शन से, विच सिटी होस्टेड द 107th एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका पेपर है, जिन्होंने ये पेपर दिया है, तो उन्होंने ऑप्शन डी चूज़ किया है इसका। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर टू फिनांस है, ईवे बिल मस्ट बी जनरेटेड व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू मोर देन, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थ्री आप देख सकते हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिजेंट लाइबिलिटी इज, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, फाइन 40% ऑफ 9610। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, तो ये भी फाइनेंस के रिगार्डिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, मैथ से, एन आर्टिकल इज़ बॉट फॉर ₹720 एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%, फाइंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, फिर क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वो भी फिनांस के रिगार्डिंग है। इसके बाद देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 है और इंग्लिश के सेक्शन से पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एरर डिटेक्टिंग यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, करंट अफेयर से, हु इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद है आपका फिर फिनांस के रिगार्डिंग क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं। फिर रीजनिंग है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, ए इज़ टॉलर देन बी, हु इज़ शॉर्टर देन सी। ठीक है, तो रीजनिंग है ये। और इसके बाद देखते जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेते रहिए। उसके बाद है आपका, देखिए कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ अ वैलिड टेक्स्ट ऑपरेटर इन MS Excel। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है क्वेश्चंस वगैरह। देखिए यहाँ पर फिर सीरीज टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 28। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए MS Excel से फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है, मैथ्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी हैं। अ पेन इज़ बॉट फॉर 525 एंड सोल्ड एट 630, फाइंड द गेन परसेंटेज, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30। देखिए यहाँ पर नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया, विच व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एकोरम नाबार्ड एज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 33 GST के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कुछ, और उसके बाद है आपका 34, 35। उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, 38 पे
जीएसटी के बारे में पूछा गया है। देखिए, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है ये मैथ्स से ही रिगार्डिंग है, नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग है। और उसके बाद है ट्रायल बैलेंस के बारे में पूछा गया है। प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स ऑफ, ठीक है। उसके बाद है आपका फिनांस के रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, देखा जा रहा है अभी तक। और यहाँ देखिए करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर, फर्स्ट इंडियन वोमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स इज़, सॉरी ये तो स्टैटिक जीके में आ गया, स्टैटिक जीके का सेक्शन है ये। और इसके बाद 48 हो गया आपका, 49 हो गया आपका, 50, 51। उसके बाद यहाँ और क्वेश्चन है, देखिए व्हाट शैल बी द रेट ऑफ TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन फीस ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड अंडर सेक्शन 194J, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, फिर 55 है आपका, फिर है आपका 56, 57, 58, 59, देखिए 59 यहाँ रीजनिंग के सेक्शन से देख सकते हैं आप। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे पूछा गया हु इज़ द 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये नए नियुक्त हुए हैं शशिकांत दास। इसके बाद देखते हैं 61, 62, देखिए ये एनोलॉजी टेस्ट है, जील, जेब्रास, ट्रूप्स, बम्बूस, बबूंस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, 64 भी आपका एनोलॉजी टेस्ट है, 65, 66, फिर है देखिए 66 आपका जीके, विच पैसेंजर ट्रेन इज स्लोवेस्ट इन इंडिया, तो नीलगिरी एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद है आपका 67, उसके बाद है 68, 69, 70। आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 72, 73, फिर है आपका 74, 75 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स कवरेज रेशियोस, ठीक है। उसके बाद है 76, 77, उसके बाद 78 आपका देखिए फिर से है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकाडमी इन हैदराबाद। तो ये हमने करंट अफेयर में करवाया भी था, अतुल करवाल। देखते हैं नेक्स्ट है आपका 79, उसके बाद है 80 नंबर में इंग्लिश के सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, एरर, ठीक है कि किस में एरर है। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं, मेंशन द शॉर्ट की टू सेलेक्ट करंट रॉ इन MS Excel। उसके बाद है 82 में भी आपसे एरर पूछा गया है कि किस पार्ट में सेंटेंस के एरर है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 83, उसके बाद 84, 85 रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद है 86, ठीक है 87। देखिए कंप्यूटर में एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए विच स्पेशल कैरेक्टर इज़ यूज्ड व्हाइल डिनोटिंग अ रेंज इन MS Excel, ठीक है। एक्सेल से 5-6 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए TDS से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं TDS के रिगार्डिंग। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, 90, उसी तरह 91, 92, 93 हो गया आपका, कैपिटल रेशियो से पूछा गया क्वेश्चन, 94 हो गया, 95, 96, ठीक है। उसके बाद हो गया 97, फिर 98, 99 आपका रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा गया है, और 100 में आपसे फिर से पूछा गया है एरर। इसके बाद 101 देख सकते हैं आप, 102,
103 में फिर से एरर पूछा गया है, 102 में आपसे इसके बाद देखते हैं 104, उसके बाद है 105, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ ईट राइट मेला इन, ठीक है। तो करंट अफेयर सेक्शन से, तो करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, उसके बाद आपका ट्रेड जो है फिनांस वहाँ से क्वेश्चन आया है, एक्सेल से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैथ्स वगैरह ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अब मैं स्लाइड करते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, 108 हो गया आपका, 109 देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम से है क्वेश्चन, उसके बाद है 111, 112, ये सब रीजनिंग का है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका मैथ से है क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये, सिंपल इंटरेस्ट सेक्शन का मैथ्स में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 113 आपका रीजनिंग है, उसके बाद है आपका 114, 115, 116 आपका सीरीज टेस्ट से है, 117 है, फिर 118, 119, 20, 21, 22, 125 क्वेश्चन था, जो कि सब मैंने आपको दिखा दिया। और तो ये था सारा क्वेश्चन, और आप कभी भी इसको देख सकते हैं अगर आपका फाइनेंस मैनेजर का एग्ज़ाम है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए, एक हेल्प मिल सके आपको। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।